फिल्म यंगेस्ट सन के स्टार जैकी फगनानी और नेहा शर्मा आर ऑल ओवर द प्लेस। फिल्म की जितनी प्रमोशन इन दोनों स्टार्स ने की है शायद ही किसी और सेलिब्रिटी ने हाल के दिनों में की हो। एंड इट इज इवन मैचिंग देयर कैरेक्टर्स दैट दे आर प्लेइंग इन द फिल्म। जैकी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उनकी फिल्म की कैंपेनिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग रही है। रिसेंटली एक कॉमेडी शो के सेट पर पहुंचे जैकी ने देश के आईपीएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देश में और आईएएस ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, आई हैव सिंपैथी विद देम बिकॉज आजकल के बढ़ते महंगाई में जहाँ पे हर बच्चे को आईफोन चाहिए, हर बच्चे को आईपैड चाहिए। अभी मैं किसी से मिल रहा था, मेरे मेकअप पर्सन से, उन्होंने कहा कि मेरा 18 साल का बच्चा, 18 महीने का बच्चा आईपैड ऐसे ऐसे करता है। तो जो 20 25 50 हज़ार रुपये के आते हैं, आप 8 10 12 हज़ार रुपये में, मतलब आजकल आप किसी के यहाँ ड्राइवर लगते हो तो आपको 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। सो आई फील द सैलरी स्ट्रक्चर शुड चेंज लाइक इन द वेस्ट। फिल्म की लीड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म से जुड़ी जितनी भी अच्छाइयां थी वो सब बयां कर दी। साथ ही मुद्दे के बाद भी बोली दैट व्हाट वर दीस गाइस डूइंग ऑन द शो। एक्साइटेड हूं कि ऐसे शो पे आ रहे हैं जो बहुत लोग देखते हैं, बहुत सारी ऑडियंस देखती है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज जो हमने इन कोलैबोरेशन विद यंगिस्तान किया है दैट यू मस्ट गो एंड वोट। तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉज दैट वी आर प्रमोटिंग ऑन द शो। एंड ऑल्सो हमारी फिल्म आ रही है तो हम हर जगह जहाँ जहाँ जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। सो लॉट हैज बीन सेड एंड डन बाय द कास्ट ऑफ यंगिस्तान। अब तो एक्चुअल यंगिस्तान के हाथों में इस फिल्म की डोर है जिसकी उड़ान कितनी लंबी या छोटी होने वाली है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की रिपोर्ट आने वाले वक्त में सब राज खोल ही देगी। और सलमान खान, जूम, मुंबई।